नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब गर्मी बहुत तेज़ है तो सारे लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि कौन से फ्लावर लगाना चाहिए जो कि गर्मियों के फ्लावर हैं, गर्मियों के कौन कौन से फ्लावर अभी लगाने चाहिए जो लगातार खिलते रहेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट की बात करने वाली हूँ जो कि सर्दी में तो खिलता ही खिलता है, हमारे यहाँ ये गर्मियों में भी लगातार खिला रहता है। और साथ ही खिलने का उसका मतलब क्या राज है, क्यों वह गर्मी में भी, इतनी तेज़ गर्मी में भी लगातार खिला हुआ है और खिल करके वो देखिए पूरा पूरा मेरा बंच भरा हुआ है। तो ये है गुलदाउदी दोस्तों, जिसे क्रिसैंथेमम भी कहते हैं। तो ये देखिए मेरे कितने सारे फ्लावर, मतलब इतने सारे मेरे प्लांट हैं और सभी में मतलब फूल खिले हुए हैं। और देखिए जो इसमें नहीं खिले हैं, इसमें भी यहाँ पर फ्लावर बड बन रहे हैं। तो ऐसा क्या राज है, गर्मी का तो फूल है नहीं, ये तो विंटर का फूल है, लेकिन फिर भी देखिए इस समय भी इसमें फ्लावरिंग बड बने हुए हैं और ये खिलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या कारण है दोस्तों इसका, मैं इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम कैसी केयर करेंगे कि हम गुलदाउदी के पौधे से सालों भर फ्लावर ले सकते हैं या दोबारा फ्लावर ले सकते हैं, उसका क्या राज है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर इतने सारे मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं, कुछ में फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ में फ्लावर बड बने हुए हैं और कुछ की मैंने जो है सो कटिंग कर दी है, तो वहाँ पर फ्लावर बड नहीं बने हैं, कुछ की मैंने कटिंग लगाई, देख रहे हैं आप, यहाँ से सारे की मैंने कटिंग कर दी है ताकि मैं दूसरे प्लांट बना सकूँ। तो ये भी इसका ये भी जानकारी मैं दूँगी कि गुलदाउदी के पौधे को किस समय लगाया जाता है, उसकी कटिंग किस समय लगाई जाती है, जिससे कि वो सितंबर अक्टूबर से खिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारे फ्लावर खिल रहे हैं, तो सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि सारे फ्लावर को जो है ना कट 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 कर, पूरे फ्लावर को जो खिल करके ख़त्म हो गए हैं इन सबको हमें कट कर देना है। मैंने कट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी, तो इसलिए मैंने कट नहीं किया था कि जब मैं वीडियो बनाऊँगी तभी आपके साथ ये शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से जब ये खिल जाते हैं, तो खिलने के बाद जितने फ्लावर इसके जो हैं स्पेंड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो उन्हें आपको इस तरह से कट कर देना है। क्या होगा कि कट करने से दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये जो है डाली से हट जाते हैं, तो प्लांट जो है प्लांट को इस सूखे हुए फ्लावर के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती है और प्लांट ये जो है एनर्जी नहीं लेंगे। दूसरा तो फ़ायदा ये होता है कि ये प्लांट से जब हट जाते हैं तो हमारे जो फ्लावर बड बन रहे हैं उनको पूरी एनर्जी मिलती है, और एनर्जी ही नहीं मिलती बल्कि उन्हें जगह भी मिलता है खिलने के लिए। हम यदि जगह अच्छे से, मतलब पुराने वाले जब हटेंगे तभी तो नए वाले को जगह मिलेगी ना, तो इसीलिए ये हट जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर छोटे छोटे से बड बन रहे हैं, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ये जो बड हैं, ये जो कली इनकी आ रही है, इन्हें खिलने का अच्छे से खिलने की इन्हें जगह मिलेगी और पूरी एनर्जी भी मिलेगी तो ये खिल पाएंगे। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस समय हमें फ्लावर हम कैसे ले सकते हैं, मेरे गुलदाउदी पर इतने सारे फ्लावर कैसे हैं उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगी। लेकिन पहले ये बता दूं कि यदि फ्लावर खिल गए हैं, खिले हुए हैं आपके पास, तो उसको क्या करना है आपको, तो इस तरह से आपको सारे जो हैं जितने भी बड हैं उनको इस तरह से कट कर देना है, ताकि देखिए नहीं कट करेंगे ना तो कुछ कुछ बड जो हैं ऐसे सूख जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर वो सूखते चले जाएंगे। इसलिए उनको प्रॉपर से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको पुराने जितने भी इसमें बड बने हुए थे जो सूख गए हैं उनको कट कर देना है। तो मैं पूरा कट करके आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने सारे केस के जो है जितने भी पुराने सूखे हुए फ्लावर्स थे वो मैंने कट कर दिया। देखिए कितने सारे निकले हैं, है ना। इस तरह से आपको डंडी के साथ यदि हैं इस तरह से, तो ऐसे भी आपको कट करके निकाल देना है, क्योंकि ये एक तो जब फ्लावर ये प्लांट पर इस तरह से बने रहते हैं तो देखने में भी ख़राब लगता है और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट की एनर्जी को भी लेते हैं। तो देखिए इसमें से भी मैंने हटा दिया। अब कितने सारे फ्लावर बड आपको दिख रहे हैं, कितनी सारी कलियाँ दिख रही हैं। अब इन सारी कलियों को जो है सो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो बहुत अच्छे से ये खिल पाएंगे। यहाँ से भी मैंने हटा दिया, तो अब देखिए हटाने का फ़ायदा ये हुआ, एक तो इनके न्यूट्रिशन को वो पुराने सूखे वाले फूल चुराएंगे नहीं, और दूसरा है कि इन्हें अब हवा मिल रही है, अच्छे से धूप मिलेगी, इन्हें सांस लेने में अच्छी होगी। तो जानते हैं कि किसी के लिए भी, किसी चाहे प्लांट हो चाहे मनुष्य हो, सभी को सूरज की किरणें हैं वो भी चाहिए, हवा भी चाहिए, तो इस तरह से इन्हें ऑक्सीजन भी मिलेगा और ये खुली हवा में सांस लेकर के अच्छे से इन पर धूप भी पड़ेगा। तो देखिए सारे जो इनके फ्लावर बड बने हुए, जिनकी इनकी कलियाँ बनी हुई, सब बड़े बड़े हो जाएंगे और फिर इनमें नई नई ग्रोथ भी आएगी। देख रहे हैं ना, यहाँ ग्रोथ तो आ रही थी लेकिन इनके जो कलर हैं वो काफ़ी लाइट ग्रीन हो गया, मतलब इन्हें अच्छे से धूप हवा
नहीं मिल रही थी, तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए भी इन्हें कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों ये तो कट कर दिया गया, कट करने के बाद इनमें जो है फ्लावर बड अच्छे से दिखने लगे हैं, बहुत सारी कलियाँ जो आएंगी वो काफ़ी हेल्दी होंगी। अब तीसरी बात जो आती है कि अब हम दोबारा से इस पर फ्लावरिंग कैसे लें, जैसे ये तो है इनमें फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर क्यों आ रहे हैं, इतने सारे फ्लावर क्यों आ रहे हैं, तो मैंने इसमें क्या डाला है जिससे कि इनके फ्लावर लगातार आ रहे हैं। तो उसके लिए, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो गर्मी का समय है तो बहुत सारे जो हैं फ्लावर जिस पर नहीं आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, तो अभी कटिंग लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। कटिंग अभी आप लगा देते हैं तो सितंबर अक्टूबर से आपके जो हैं वो गुलदाउदी के प्लांट, गुलदाउदी के जो फ्लावर हैं वो खिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए अक्टूबर से खिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह की कटिंग लेनी है, जो कि जैसे ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं तो आपको यहीं से आपको कट कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से कट कर दीजिए तो प्लांट की प्रूनिंग भी हो जाएगी और प्लांट और ज़्यादा घने हो जाएंगे और उसके बाद आपके नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लांट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको छोटी छोटी सी कटिंग ले लेनी है और इन सबको लगा देना है सिर्फ सैंड में। सैंड में लगाएंगे तो बस 10 दिन के बाद ही इनकी जो है ना वो जड़ें निकल आएंगी, रूट निकल आएंगी और बहुत तेज़ी से फैलेंगी। उसके बाद अगला मंथ जब बारिश का समय आ जाएगा तो बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होगी। उसके बाद ग्रोथ आने पर आप इनकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो जब इनके खिलने का समय आएगा तब तक आपका प्लांट इतना घना हो जाएगा कि एक एक प्लांट पर आपको की हज़ारों कलियाँ आएंगी, जैसे मेरे इसमें आए हुए हैं, है ना, देखिए कितने भरे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतनी ज़्यादा कलियाँ इस पर आएंगी। तो हमें चाहिए कि प्लांट को हमें घना बनाए, तो घना बनाने के लिए आपको अभी से लगा देना है। और देखिए मैंने तो बहुत सारे लगा दिए, मैं आपको दिखलाती हूँ निकाल करके। ये देखिए मैंने इसमें लगाए हुए छोटा सा पॉट है, देखिए इसमें और इसमें मैंने सैंड में लगाया हुआ है। और ये देखिए मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ कि इनकी रूट कितनी अच्छी हो गई है। देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ मैं पानी से धोकर दिखलाती हूँ। देखिए इनमें भी रूट आ गई है, और भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इनमें भी रूट आ गई है, जो जितनी मैंने लगाया था यहाँ पर 4-5 मैंने लगाए हुए थे, और देखिए कितनी कितनी सारी रूट आ गई है। तो सैंड में लगाने से इनकी रूट बहुत अच्छी आ जाती है और ये 10 दिन के अंदर इनकी रूटिंग हो जाएगी। तो जब तक आपके जो समय आएगा खिलने का, तब ये खिलने बहुत अच्छे से खिलेंगे। तो आपको इसी तरह से सिर्फ सैंड में लगा देना, मैंने बहुत सारे लगाए हुए, वो भी मैं आपको अभी शो करूँगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको इन्हें फीड करना है। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी इनमें कलियाँ आती, कितने सारे फूल आते हैं। तो जितनी ज़्यादा कलियाँ आएंगी उतना ज़्यादा इनको भोजन चाहिए। तो भोजन देने के लिए हमें क्या देना है, इन्हें घर में बनाया हुआ फ्री का NPK देना है। अब NPK कौन कौन सा देना है वो मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम भी, ठीक है ना, फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो ये हमारे घर में ये निकलते हैं प्याज के छिलके, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होते हैं। उसके अलावा भी वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए होता है, सी होते हैं, आप बहुत सारे जान इसको देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोर्स होता है ये पोटेशियम का। तो पोटेशियम में पानी में डाल करके आप इन्हें रख दीजिए 24 घंटे, तो इसी तरह से इनका ये जो है ये तैयार हो जाएगा लिक्विड, इसमें बहुत मात्रा में पोटेशियम होता है। दूसरी बात है चाय की पत्ती यूज़, चाय की पत्ती जो हम घर में चाय की पत्ती यूज़ करते हैं उसको धो करके जब उनके जो दूध और चीनी के कंटेंट निकल जाते हैं तो उन्हें हमें सुखा लेना है धूप में, और उसके बाद देखिए या छाया में भी सुखा सकते हैं, उसके बाद देखिए कितने अच्छे बन जाते हैं और उसी से फिर ये लिक्विड तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। वैसे तो ये हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में जितने भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उस फर्टिलाइज़र को ये बहुत अच्छे से इनटेक करता है और तभी वो हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इसमें जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। ये मिट्टी को बहुत ही पोरस भी बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी बनाते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये है वुड ऐश यानी राख, देख रहे हैं, इसी का लिक्विड ये तैयार किया हुआ है दोस्तों ये, और ये भी आम की जो लकड़ी होती है उसी का ऐश है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और पोटेश और फॉस्फोरस होता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा फंगी अच्छे से फंगिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ हैं वो हमारे घर में हमें फ्री के मिल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देना है क्योंकि हमारे प्लांट को लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं, हेवी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो उन्हें हमें देना है पोटेशियम
जो कि प्याज में होता है, उसके बाद देना है नाइट्रोजन जो कि चाय की पत्ती में होता है, और तीसरा है फॉस्फोरस जो कि वुड ऐश में होता है। और ये तीनों फ्री के चीज़ हमारे घर में मिलते हैं, इसमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमें अपने प्लांट को हर 15 दिन पे देना है, जिसके कारण हमारे प्लांट जो है वो गर्मी के दिन में भी ऐसे ही भर भर कर खिलते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इनको देने के बाद क्या होता है, देखिए एक भी मेरे प्लांट पर कहीं भी आपको ना तो मिली बग दिखेगा, ना ही ब्लैक एफिड्स दिखेंगे, कहीं भी नहीं। आप कोई भी मेरे प्लांट देख लीजिए, किसी भी प्लांट पर, किसी भी डाल पर कोई भी ना तो मिलीबग लगे हैं, जबकि गुलदाउदी के प्लांट पर मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जो ब्लैक एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं, लेकिन मेरे प्लांट पर आपको ये कहीं नहीं दिखेगा। तो इसलिए क्योंकि मैं ये जो घर में बना हुआ होता है राख से बना हुआ जो फंगीसाइड होता है उसको भी मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं लहसुन का भी यूज़ करती हूँ, लहसुन और मिर्च के भी मैंने अपने चैनल पर पब्लिश किया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो ये जो है बहुत ही फ्री के होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसे हमें दे देना है। कैसे देना है, तो इसको जितने भी ये बने हुए हैं, देखिए एक एक कप में बने हुए हैं, तो आपको एक कप का जो चाय है इसे आपको एक एक लीटर में डाल देना है, एक लीटर पानी में डाल करके, और उसके बाद आपको सारे प्लांट को दे देना है। आधा आधा लीटर दे देंगे या दो दो कप भी दे देंगे तो चलेगा। तो इस तरह से हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इन्हें आप मिट्टी में भी ऐसे ही भी डाल सकते हैं, जैसे ऊपर से ऐसे करके डाल देंगे तो किसी भी तरह से कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। इसे आप ऐसे भी इसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो इससे भी ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और चाय की पत्ती को भी आप इनकी मिट्टी में डाल सकते हैं, तो मिट्टी में डाल देने के बाद भी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छे से इसमें मिट्टी में चले जाते हैं, तो हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गुलदाउदी के प्लांट की केयर करेंगे दोस्तों, तो दोबारा से उस पर आप फ्लावर ले सकते हैं, या फिर आप सालों भर वैसा ही फ्लावर ले सकते हैं जैसा मैंने लिया है। तो बस छोटी छोटी सी ये जानकारी है, तो शेयर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।